अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ के चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। और आज जो पेपर हुआ है पीपीएससी का 13/6/2022 को क्लब केसेस तकरीबन जो 10 पेपर थे पोस्टों के लिए असिस्टेंट और इसके अलावा काफ़ी और पोस्टें थी, तो उसका पार्ट टू जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के पास पेपर आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है विच बुक ऑफ अल्लामा इकबाल वाज पब्लिश्ड इन 1923। 1923 में अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब पब्लिश हुई थी? तो इसमें काफ़ी चार ऑप्शन थे आपके पास, नन ऑफ दीज था, पैगाम मगरब, बांग दरा और इस तरह के थे। तो इसका करेक्ट आंसर था पयाम मगरब। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अयूब खान डाइड ऑन। अयूब खान जो है ये 1974 में उनकी वफात हुई थी। ये वो क्वेश्चन के आंसर्स हैं जो गूगल पर सर्च करके आप तक पहुँचाए जाते हैं। नेक्स्ट है कायदे आज़म 14 पॉइंट इन रिस्पॉन्स टू नैरो रिपोर्ट जो था, नैरो रिपोर्ट के रिस्पॉन्स पे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट दिए थे 1929 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन अबाउट स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स के रिलेटेड था क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर था जो आ रहा है वो स्पोर्ट्स शैल जी था, लेकिन इसका आप लोगों ने भी जो करेक्ट आंसर हो डिटेल के साथ काइंडली वो कमेंट में ज़रूर बताएँ ताकि जो दोस्त हैं उनके जो इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नेक्स्ट है यूएसएसआर वाज विच पार्टी, तो ये चार ऑप्शन थे, तो इसको कम्युनिज्म कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर था। इसके अलावा नाजी पार्टी था और फासिस्ट था, इस तरह के ऑप्शन थे। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी था बोथ जो थे सेक्टर्स और वेक्टर या इस तरह क्वेश्चन जो बोथ वाला था वो आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड इन अ कंप्यूटर थ्रू अ प्रिंटर, ये एक प्रिंटर के रिलेटेड था, इसका करेक्ट आंसर है प्रिंट जॉब था। नेक्स्ट विच प्रोसेस कैन नॉट यूज टू मेक फ्रॉम विंडो वर्ड टू एक्सेल, जो प्रोसेस कौन सा यूज नहीं हो सकता, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हैपर लिंक के थ्रू नहीं हो सकता था वर्ड से एक्सेल में। इसके अलावा कॉपी करके पेस्ट या ड्रैग करके ये इस तरह पॉसिबल है। नेक्स्ट द ऑफिस इज़ ओपन डैश 8 o'clock टू 7 o'clock, तो यहाँ पे जो इंग्लिश का प्रेपोजिशन थी यहाँ पे बिटवीन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है इनॉलमी मीन, इनॉलमी का मतलब होता है इरेगुलरिटीज। नेक्स्ट है इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड फ्राम, जो इस्लामिक कैलेंडर है हिजरी का कैलेंडर, ये जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी मक्का से मदीना से की तरफ, तो उस टाइम से ये स्टार्ट है। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट न्यू चार्ट, तो F11 की जो है या प्रेस करेंगे तो न्यू चार्ट जो होगा वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है आखिरी आदमी जो थी ये किन्होंने लिखी थी, तो इसका जो गूगल पे सर्च किया तो उसमें करेक्ट आंसर आता है इंतज़ार हुसैन। नेक्स्ट है पेंसिल यू इन एक मुहावरा था, इसका करेक्ट आंसर था अपॉइंटमेंट देना, किसी दूसरे को अपॉइंटमेंट देना। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन था टू गो बाय, तो इसका जो सर्च किया है तो उसका करेक्ट आंसर आता है जज या जजमेंट। आगे नेक्स्ट था जिसका आंसर था ही विश्ड, वो जो कहते हैं प्रे फॉर या इस तरह का क्वेश्चन था, तो उसका करेक्ट आंसर था ही विश्ड। नेक्स्ट है ही डज नॉट डू वर्क बट वी, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो लग रहा है वो डू था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये पार्ट भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो भी क्वेश्चन आते हैं या आप लोगों को याद है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें ताकि उनके जो करेक्ट आंसर है वो आप तक पहुंचाए जा सकें। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दिया करें, बताया करें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके अलावा शेयर भी ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपका हमारा रब्ता रहता है बरकरार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।